नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की लखनऊ की बड़ी खबर पर। प्रयागराज में अप्रैल 2017 में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें चार आरोपियों को जेल हुई थी और उसमें से दो आरोपी जमानत पर बाहर हैं और वे परिवारजनों को धमकी दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी परिवार वालों को कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई थी और न ही सहायता राशि दी गई थी, जिसको लेकर परिवार लखनऊ के जीपीओ पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगा रहा है। बट यहाँ बहुत देर बैठना प्रतिबंधित है, इसके लिए हम लोगों के पास बसें वगैरह की व्यवस्था है। ज्ञापन आधे घंटे का फ्रेम ले करके हम संबंधित जगह पहुँचा देंगे। आपका टाइम देते हैं तो आपको हम बस पे लेकर के इको गार्डन पहुँचा देंगे। तो आपको जो उचित लगे हमें बता दें, हम आपके सही। माता जी, हम बहुत देर से इसीलिए आए हैं, आपकी पूरा और आप ज़्यादा देर बैठना इको गार्डन जाए कोई शिकायत। सर सर लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विवेक कश्यप की रिपोर्ट। तो ये थी राजधानी लखनऊ की इस वक्त की बड़ी खबर। देश और दुनिया की ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज।